हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और अभी जस्ट ड्यूटी से आए हैं और आज ड्यूटी में बहुत थक गए, दूर भी गए ड्यूटी के लिए, कम से कम 7-8 किलोमीटर गए। 8 किलोमीटर नहीं गए, 8 किलोमीटर से कम ही गए, क्योंकि अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाते तो आज TA बनता और एक्स्ट्रा 500 रुपये मिलता। लेकिन आज दूर भी गए और कोई फायदा भी नहीं हुआ और थक भी गए और परेशानी भी हुआ। आज मेरा ड्यूटी दोस्तों जो मशीन चलता है, डोमेस्टिक मशीन, उसको पैकिंग मशीन बोलते हैं, जो स्लीपर का पैकिंग करता है, वो मशीन चल रहा था ब्लॉक में, तो उसी के साथ काम करना था। और जो ट्रैक में जो रेल रहता है, जहाँ पे बिल्डिंग रहता है, वो बिल्डिंग के पास एक फिश प्लेट बंधा हुआ रहता है, तो वही फिश प्लेट खोलना था। वो खोलने के बाद फिर पैकिंग मशीन पैकिंग करता है। अगर वो नहीं खोलेंगे तो वो जो पैकिंग करता है उसका दांत लग के टूटने का डर रहता है, इसीलिए ब्लॉक से पहले वो सब पट्टी खुलवा के साइड में किया जाता है। और फिर जब ब्लॉक क्लियर हो जाता है, पैकिंग हो जाता है, तो फिर वही पट्टी वहीं पे जहाँ पे बिल्डिंग रहता है वहाँ पे कस दिया जाता है। तो आज हम सब का काम वही था, और जो पट्टी जहाँ पे पट्टी बिल्डिंग पट्टी रहता है वो सब खोल के साइड में कर दिए थे ब्लॉक से पहले, और फिर जब ब्लॉक ख़त्म हुआ तो फिर उसको सेट किए। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि किस तरह से मशीन पैकिंग करता है और किस तरह का वर्क रहता है मशीन वालों का और कैसा मशीन है। आज के वीडियो में यही सब आप सबको दिखाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट ब्लॉक में पीछे, ठीक है। वो तो काम हो गया है, कुछ वीडियो बनाया हूँ, क्लिप बनाया हूँ, तो वही मैं आप सबको दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसा मशीन रहता है और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आज भी ट्रेन से ही आना पड़ा, क्योंकि बाइक किसी का नहीं था, इसलिए ट्रेन से ही आए। और देखिए ये जो ब्रिज है, ब्रिज के उस पार हम सब का काम है, पट्टी खोलने का काम है। रेल में जहाँ पे बेल्डिंग किया हुआ रहता है वहाँ पे एक फिश प्लेट रहता है, उसी को आज खोलना है और वही सब काम है हम सब का। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि कहाँ पे बेल्डिंग किया हुआ रहता है और कहाँ पे फिश प्लेट रहता है। देखिए यहाँ पे जो पट्टी लगा हुआ है, और आगे मैं दिखाता हूँ आप सबको, देखिए यहाँ भी बेल्डिंग किया हुआ है और देखिए फिश प्लेट कसा हुआ है, इसी को खोला जा रहा है। देखिए पट्टी, देखिए एक निकल गया है, ऐसा पट्टी रहता है और यही सबको खोलना रहता है। देखिए देखिए पूरा पट्टी खुल गया है, इधर भी देखिए यही सब पट्टी खोल के साइड में कर दिया जाता है। जब ब्लॉक मिलने के बाद ये सब पट्टी को फिर वहीं पे कस दिया जाता है। देखिए पूरा पट्टी खोल दिए हैं, अब ब्लॉक मिलेगा फिर मशीन आएगा तो फिर पैकिंग होगा। लगता है ब्लॉक भी मिल गया दोस्तों, और देखिए आगे आके मशीन लगा हुआ है, उधर ही से देखिए काम स्टार्ट होगा, उधर देखिए मशीन लगा हुआ है।
अब चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि ये मशीन है किस तरह से वर्क करता है और ये कौन सा मशीन है। थोड़ा दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए थोड़ा पास में जाके दिखाते हैं आप सबको। देखिए दोस्तों, ये डोमेस्टिक मशीन है और ये स्लीपर पैकिंग करता है, जो रेल का स्लीपर नीचे रहता है उसको पैकिंग करता है। देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है। और यही सब मशीन के बारे में मैं आप सबको बताता था कि ये सब मशीन पर जाने के लिए ITI होना ज़रूरी है, ITI होना और BSc होना ज़रूरी है। देखिए किस तरह से वर्क करता है दोस्तों। मशीन के बाजू में ये जो स्टाफ हैं ये मशीन वाले हैं, और देखिए ये जिस तरह से बताते हैं ऑपरेट करने के लिए, उसके मशीन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है उसी तरह से ऑपरेट करते हैं। जहाँ पे स्लीपर चाहे कुछ आ जाता है वहाँ पे रोक दिया जाता है और उनको बताने के बाद फिर काम स्टार्ट होता है। देखिए रोक रोक के किस तरह से पैकिंग हो रहा है मशीन के द्वारा। देखिए और अभी देखिए आपकी भाभी जी शरबत घोरी है, रसना जिसको बोलते हैं वही घोरी है। तो सबसे पहले दीपाली पी रही है। दीपाली पूरा दिन धूप में काम की तो कौन पीएगा। दीपाली धूप में काम कर रही थी, ड्यूटी जाती है दीपाली काम करने के लिए। ओहो ठीक है, हम नहीं पियेंगे और फिर दीपाली को पीने दो। आप काम करती हो, कहाँ धूप में काम कर रहे थे। ओहो कल से दीपाली को भी ड्यूटी लेके जाएंगे। अच्छा चलोगे मेरे साथ। ठीक, जो मशीन मैं आप सबको दिखाया दोस्तों, ये डोमेस्टिक मशीन था, स्लीपर पैकिंग करता है। और भी बहुत तरह का मशीन है, एक छनाई मशीन हो गया और एक हुती लेने वाला मशीन रहता है, बहुत सारा मशीन है। FRM हो गया, ये डोमेस्टिक मशीन था, और एक दो तीन तरह का और मशीन है। तो सबका नाम अलग अलग है और सबका वर्क अलग अलग है। तो ये जो डोमेस्टिक मशीन था ये पैकिंग करता है, जो स्लीपर है उसका पैकिंग करता है। और यही सब मशीन पर जाने के लिए वैकेंसी निकलता है, डिपार्टमेंटल निकलता है, जोन से हो गया चाहे डिवीजन से हो गया, यहाँ से मशीन के लिए निकलता है। उस पर ITI खोलता है, जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, तो जिनका ITI हो रखा है और चाहे कर रहे हैं ज्वाइनिंग से पहले अगर कर रहे हैं तो ITI करिए। यही सब मशीन पर आप जा सकते हैं और ये सब मशीन ब्लॉक में ही काम होता है। जैसे कोई ब्लॉक मिलेगा तभी आप मशीन लेके जाइएगा और जहाँ पे वर्क रहेगा वहाँ पे करके एक आध दो घंटा का वर्क रहता है, बस इतना ही काम रहता है, उसके बाद फिर आप फ्री हो जाइएगा। मशीन पे जाने पर यही फायदा होता है और इसका एक अलग से कोच भी रहता है। जैसे मशीन हुआ और उसके साथ में एक स्टाफ का कोच रहता है, उसी में सब चीज़ रूम वगैरह हो गया, किचन हो गया, सब चीज़ का व्यवस्था उसी में रहता है, कोच में ही रहता है। तो मशीन के जितने भी स्टाफ हैं वो कोच में ही रहते हैं, इधर उधर नहीं रहते हैं। जैसे उनका क्वार्टर वाटर नहीं मिलता है, मशीन के साथ ही एक कोच रहता है, उसी में सब जितने भी स्टाफ हैं सब उसी में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको दिखाया डोमेस्टिक मशीन के बारे में कि किस तरह से पैकिंग करता है स्लीपर का और कैसा वर्क करता है। ये सब आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाया दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, और बाय के बाद फिर जय हिंद करने के लिए देखिए दीपाली हमको बुला रही है। दीपाली आप सबको जय हिंद बोलेगी। ठीक है, देखिए इधर है।
आइए देखिए। तो ठीक है दोस्तों, बोलिए जय हिंद। आई आई आई।